जम्मू में गर्मी का तापमान बढ़ते हुए नजर आ रहा है। आज 23 में है लेकिन कोई भी राहत जम्मू में नजर नहीं आ रही। आपको बता दी कि आने वाले कुछ दिनों तक तापमान में काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। 28 मई तक तापमान जो है वो 45 डिग्री से 46 डिग्री टेम्परेचर राइज होते हुए नजर आएगा। साथ ही साथ इसी को लेकर जम्मू डीसी के द्वारा सचिन कुमार जी के द्वारा अपील की गई है जम्मू की आम जनता से कि वो एडवाइजरी को फॉलो करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ जो भी लोग हमसे जुड़ेंगे अपने इलाके का मौसमी सूरत हाल, आपके इलाके के टेम्परेचर कितना राइज हुआ है, कितना गर्मी में जो है वो बढ़ोतरी देखने को मिली है, वो भी जरूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइएगा कि क्या आपके इलाके में भी टेम्परेचर यानी कि गर्मी जो है वो बढ़ रही है, बढ़ते हुए नजर आ रही है या नहीं। लेकिन फिलहाल जम्मू की सूरत हाल बताएं तो आज जो है वो 42 डिग्री तक टेम्परेचर देखने को मिलेगा, जिसको लेकर जम्मू डीसी के द्वारा जो है वो आम जनता से अपील की गई है कि वो एडवाइजरी को फॉलो करें। आपको बता दी कि एक स्टेटमेंट में उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि अगर आपको यानी कि अगर कोई जरूरी काम है तो ही घर से बाहर निकले, वरना आप जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना घर में रहें, और अगर आपको कोई जरूरी काम है तो ही आप घर से जो है वो बाहर निकले। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जिस समय पर यानी कि टेम्परेचर जो है वो दिन के समय काफी ज्यादा राइज होता है, पीक पर होता है, तो आप जितना अवॉइड कर सके उतना अवॉइड करें और घर से बाहर ना निकले। जितना आप लिक्विड का सेवन कर सकते हैं उतना आप लिक्विड का सेवन करें। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि बुजुर्ग और बच्चों का ज्यादातर ध्यान रखें क्योंकि वे गर्मी से संबंधित बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। तो जितना आप बच्चों का और बुजुर्गों का ध्यान रखेंगे यानी कि बच्चों और बुजुर्गों का जो है वो ज्यादा से ज्यादा आप ध्यान रखें। साथ ही साथ डीसी जम्मू के द्वारा ये भी कहा गया है कि अगर कहीं पर भी फायर इंसिडेंट होता है, आग यानी कि आप देखते हैं कि कहीं पर भी आग लगी है, फायर इंसिडेंट हुआ है, तो आप जो है वो एसडीएम से संपर्क कर सकते हैं, तहसीलदार या फिर एसएचओ से जो है वो संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट से भी आप फायर इंसिडेंट के रिलेटेड संपर्क कर सकते हैं। नंबर मैं आपको बताती चलूं, 101, अगर आप कहीं पर भी देखते हैं कि फायर इंसिडेंट हुआ है, आग लगी है, तो तुरंत आप फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और उन्हें इत्तला कर सकते हैं। साथ ही साथ फायर कंट्रोल रूम के नंबर भी जारी किए गए हैं, अलग अलग इलाकों के फायर कंट्रोल रूम नंबर भी जारी किए गए हैं। वो क्या कुछ है मैं आपको बता दूं, सबसे पहले गांधीनगर की बात करेंगे, 01912457705, साथ ही साथ 01912435283, ये फायर कंट्रोल रूम नंबर गांधीनगर का है। और फायर स्टेशन ओल्ड सिटी की बात करें तो 01912544263, 01912544262, ये ओल्ड सिटी का है। और साथ ही साथ फायर स्टेशन रूपनगर 01912597522, ये रूपनगर का है। फायर स्टेशन गंगियाल मैं आपको बता दूं 01912480026, और साथ ही साथ फायर स्टेशन कैनाल 01912555260, उसके बाद अखनूर 01924252481, उसके बाद आरसपुरा 01923265703, उसके बाद बिश्ना 01923237937, और उसके बाद फायर स्टेशन अरनिया की बात करें तो 9149525773, ये कॉन्टेक्ट नंबर जो है वो जारी किए गए हैं, जहां पर फायर कंट्रोल रूम के नंबर अलग अलग इलाकों के जारी किए गए हैं। कहीं पर भी आप देखते हैं कि फायर इंसिडेंट हुआ है तो आप जो है वो बता सकते हैं, यानी कि इतला जो है वो दे सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप देखते हैं कि कहीं पर भी फॉरेस्ट फायर हुआ है यानी कि जंगल में जो है वो आग लगी है, तो आप फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर को भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, नंबर भी जारी किए गए हैं। रेंज ऑफिसर जम्मू, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 9419175278, और उसके बाद रेंज ऑफिसर खलदियार 9149570084, उसके बाद रेंज ऑफिसर बहू 9419212594, उसके बाद मैं आपको बता दूं रेंज ऑफिसर जिंद्रा 9797596327, ये नंबर भी जारी किए गए हैं। कहीं पर भी आप देखते हैं कि आग लगी है तो आप यानी कि जंगल में जो है वो आग लगी है तो आप फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर को भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। किसी प्रकार की आपको मेडिकल इमरजेंसी है यानी कि अगर आपको जो है वो मदद की जरूरत है तो आप 108 पर भी कॉल कर सकते हैं, या फिर आप लोकल पब्लिक हेल्थ सेंटर में जाकर, गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटी में जाकर जो है वो आप मदद मांग सकते हैं। इमरजेंसी ऑपरेशन सेल जम्मू जो कि 24 घंटे आम जनता के लिए अवेलेबल है,
उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी जारी किया गया है। यानी कि अगर आपको जो है वो आम जनता को इमरजेंसी होती है तो इमरजेंसी ऑपरेशन सेल जम्मू जो है वो 24 घंटा आपके लिए अवेलेबल है, आपकी मदद करने के लिए जो है वो अवेलेबल है। नंबर मैं आपको बता दूं 0191257161 से कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा। साथ ही साथ मेटोलॉजिकल सेंटर रामबाग के द्वारा जो है या ये साफ तौर पर बताया गया है कि जम्मू क्षेत्र में अगले एक सप्ताह तक लू चलने की संभावना जताई गई है। यानी कि अगले एक सप्ताह तक जो है वो लू चलने की संभावना है और इससे बचने के लिए यानी कि इससे संबंधित सलाह भी जो है वो जारी की गई है, जहां पर आप ढीले ढाले कपड़े पहने, हल्के रंग के कपड़े पहने और अधिकतम तापमान के घंटे के दौरान जो है वो अधिक मेहनत वाले कामों से बचना जो है वो शामिल है। यानी कि आपको जो है अगर आप घर से बाहर निकल रही हैं तो सबसे पहले फेस को कवर करें और साथ ही साथ ढीले ढाले कपड़े पहने, क्योंकि जम्मू क्षेत्र में जो है वो अगले एक सप्ताह तक लू चलने की संभावना जो है वो जताई जा रही है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और एडवाइजरी की बात करें जो जम्मू डीसी सचिन कुमार जी ने यानी कि जम्मू की आम जनता से अपील की है कि इस एडवाइजरी को वो फॉलो करें, क्योंकि लगातार जम्मू का जो तापमान है, जम्मू में तापमान गर्मी का जो है वो काफी ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहा है और 28 मई तक तापमान 45 डिग्री से 46 डिग्री तक जो है वो तापमान जाएगा। अगर आपको घर यानी कि अगर आपको कोई जरूरी काम है तो ही आप घर से बाहर निकले, अदरवाइज आप जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना अवॉइड करें। आप लिक्विड का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें, बॉडी को डिहाइड्रेट होने ना दें। और जिस प्रकार से आपको बता दें कि जिस तरीके से गर्मी जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और आने वाले कुछ दिनों तक जो है वो इसी प्रकार से मौसम में जो है यानी कि मौसम इसी प्रकार से रहने वाला है, कोई भी बदलाव या फिर राहत जो है वो नहीं दी गई है। मौसम विज्ञान की बात करें तो मौसम विभाग के द्वारा भी ये कहा गया है कि अगले एक सप्ताह यानी कि जम्मू क्षेत्र के अगले एक सप्ताह तक जो है वो लू चलने की संभावना जताई गई है। तो आप जितना अवॉइड कर सके घर से बाहर निकला, अगर आपको कोई जरूरी काम है तो ही आप घर से बाहर निकले, लिक्विड का सेवन करें और बुजुर्ग और बच्चों का जो है वो ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखें। एडवाइजरी जो है वो जारी की गई है यानी कि जम्मू डीसी सचिन कुमार के द्वारा जो है एक स्टेटमेंट में बताया गया है कि क्या कुछ आप जो है वो प्रोटेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि जम्मू में इस समय हीटवेव जो है वो काफी ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रही है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और जो भी लोग हमसे जुड़ेंगे अपने इलाके का मौसम सूरत हाल जरूर बताएगा कि क्या वहां पर भी इसी प्रकार से गर्मी बढ़ रही है, क्या इसी प्रकार से तापमान जो है वो राइज होते हुए नजर आ रहा है या नहीं, अपना इलाका जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए जिक 24 के साथ। शिल्पा शर्मा के साथ नमस्कार।